दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको WhatsApp में प्राइवेसी की कुछ पांच ऐसी सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा जो बहुत यूजफुल साबित हो सकती हैं आपके लिए। तो अगर आप ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सानू है और आप देख रहे हैं SBS Tech। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस बेल के आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों व्हाट्सएप में हमें कुछ सेटिंग्स ऐसी होती हैं जिन्हें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इनेबल करने के लिए, लेकिन दोस्तों हमें पता नहीं रहता कि वो सेटिंग्स इनेबल कैसे होंगी। तो दोस्तों इसी वीडियो में मैं आपको इन्हीं सेटिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनमें आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है लेकिन आपको पता नहीं होता कि वो सेटिंग्स कैसे होगी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको प्राइवेसी सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेन जो मुद्दा है दोस्तों वो प्राइवेसी सेटिंग्स का है। अगर आप प्राइवेसी सेटिंग्स को जान लेंगे तो दोस्तों आपके लिए बहुत आसानी होगी व्हाट्सएप को यूज़ करने में। तो सबसे पहले दोस्तों हमें व्हाट्सएप को खोल लेना है और व्हाट्सएप को खोलने का दोस्तों सिंपली अकाउंट यहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो अकाउंट में क्लिक करना है और अकाउंट में जाने के बाद प्राइवेसी में चले जाना है। प्राइवेसी में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी पांच सेटिंग्स आ जाती हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल साबित हो सकती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारी जो पहली सेटिंग्स है वो है लास्ट सीन। लास्ट सीन में दोस्तों ऐसा है कि अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों ये डिफ़ॉल्ट ही एवरी वन पर क्लिक है, लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉन्टैक्ट को आपको बस जो है आपका लास्ट सीन दिखे तो आप माई कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप चाहते हैं नोबडी पर किसी को भी ना दिखे तो आप नोबडी पर क्लिक कर सकते हैं। ऐसी दूसरी सेटिंग है दोस्तों हमारी प्रोफाइल फ़ोटो। प्रोफाइल फ़ोटो में भी दोस्तों यही किस्सा है, अगर आप माई कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर देते हैं तो अपने जो कॉन्टैक्ट है सिर्फ उन्हीं को आपका प्रोफाइल फ़ोटो दिखेगा, और अगर आप नोबडी कर देते हैं तो उसमें किसी को नहीं दिखेगा। और अगर दोस्तों अगर आप एवरीवन पर रहना चाहते हैं तो अगर एवरीवन पर रहते हैं तो आपकी प्रोफाइल सब देख सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अबाउट है और अबाउट के बाद आपका स्टेटस है। स्टेटस में दोस्तों यहाँ पर आपको माई कॉन्टैक्ट ऑप्शन मिल जाता है, यानी आपके कॉन्टैक्ट जिन्होंने आपको ऐड कर रखा होगा उनको देख सकता है। लेकिन उसके बाद दोस्तों माई कॉन्टैक्ट एक्सपर्ट पर क्लिक कर देते हैं तो जो भी आप जिस पर भी कॉन्टैक्ट पर भेजेंगे, जिस पर भी SMS जाएगा, सिर्फ वही आपके स्टेटस को देख सकता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आ जाता है शेयर विद। अगर आप किसी पर्सन को भेजना चाहते हैं तो यहाँ से भेज सकते हैं, सिर्फ वही आपके स्टेटस को देखेगा। उसके लाइफ लोकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो इसमें आपको इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। आप चाहते हैं तो दोस्तों मैं इस पर एक वीडियो और बना दूंगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज अब आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।